बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा महाआंदोलन का ऐलान किया गया है। पिछले दिनों बीपीएससी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी सीएम हाउस तक पहुंच गए थे, जिसको लेकर पटना जेपी गोलंबर पे पुलिस की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि बिहार, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश बीजेपी बहुमत से जीतेगी। बिहार में बढ़ते अपराध पर अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जंगल राज की वापसी कर नीतीश कुमार पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर भागलपुर हत्याकांड को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीलम देवी की हत्या करने वालों का भागलपुर के एसपी जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, बहुत ही दुखद है। भागलपुर के एसपी क्या कहना चाहते हैं? अल्पसंख्यक से उधार लेने वाले बहुसंख्यक अगर पैसे नहीं चुकाएंगे तो उनके हाथ पांव काट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक को इस पे माफी मांगनी चाहिए और बिहार सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को सुनवाई के लिए देना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव को किडनी दान करने पे रोहिणी आचार्य के लिए तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव ने भावनात्मक पोस्ट किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस और अद्वितीय समर्पण की मिसाल कायम की है। अपने रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है वो अवर्णनीय और विस्मरणीय है। वहीं राजश्री यादव ने लिखा है कि श्रवण कुमार जैसा बेटा पानी रखने वालों चाहत की इस दुनिया में अब रोहिणी आचार्य सी बेटी की चाहत भी रखेगी। नालंदा जिले के हिलसा बाजार में मां काली मंदिर में फर्जी कॉलेज द्वारा अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की जा रही है, फिर भी तारीख पे तारीख मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। पिछले कई महीनों से हाईकोर्ट और जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं, फिर भी स्थानीय सीओ द्वारा मामले को नजरअंदाज करते हुए मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए तारीख पे तारीख दे रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष बढ़ने लगा है। औरंगाबाद के महाकाल मंदिर के पास प्रेमी युगल ने सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमिका महाकाल मंदिर में ही तत्काल शादी रचाने की जिद पे अड़ गई और यहां तक कि शादी नहीं करने पे आत्महत्या करने की बात तक कह डाली। प्रेमी ने लायक समझाया कि कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। यह सब देख मौके पे लोगों की भीड़ लग गई और भीड़ इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ में शामिल लोग भी प्रेमी पे शादी के लिए दबाव बनाने लगे। बाद में मामला शांत हुआ और दोनों राजी खुशी घर चले गए। मुंगेर के राजगंज में 6 व्यवसायियों के सहयोग से 12 करोड़ की लागत से पहला उसना चावल का मिल का उद्घाटन हुआ। डीएम नवीन कुमार ने उद्घाटन किया। क्षेत्र में उसना चावल का मिल खुल जाने से आसपास के किसानों में इस बात की खुशी है कि अब उसना चावल तैयार करने के लिए उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डीएम ने मौके पर कहा कि अब तक जिले में एक भी उसना चावल मिल नहीं रहने के कारण राशन दुकानों से जिले वासियों को अरवा चावल नहीं मिल पाता था। अधिकांश लोग राशन दुकान से अरवा चावल मिलने पर शिकायत करते थे। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड में बाघ देखे जाने की बात अफवाह साबित हुई। डीएफओ ने इलाके में बाघ होने की बात से इनकार किया। औरंगाबाद वन प्रमंडल के डीएफओ तेजस जायसवाल ने कहा कि जिन पंजों की बात की जा रही है वो भी किसी बाघ की नहीं बल्कि अन्य जानवर के हैं। लोगों ने बाघ के पंजे का निशान देखने का दावा किया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की। उन लोगों ने पंजा का निशान भी देखा। डीएफओ ने कहा कि पंजा के जो निशान है वो लकड़बग्घा के हैं, लेकिन ये भी खतरनाक है। बगहा के रामनगर से नगर परिषद की तरफ से नगर क्षेत्र में बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ऋषिकेश अवस्थी और नगर परिषद के ब्रांड एम्बेसडर सराष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक सदाकांत शुक्ला ने कार्यालय परिसर से इसे रवाना किया। नगर परिषद रामनगर के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ये सेवा अनवरत जारी रहेगी। प्रत्येक चौक पे करीब 2 मिनट का विराम रहेगा।